कि चक्रवृद्धि ब्याज एक साल का बिल्कुल सेम होता है, चक्रवृद्धि ब्याज एक साल का और साधारण ब्याज सेम होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है दूसरे साल से लगना स्टार्ट होता है, दूसरे साल चौथे साल से लगना क्या होता है स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 12,500 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, यानी इतना रुपया दिया हुआ है और इस पर 8% वार्षिक दर यानी एक साल पे 8% लग रहा है। ठीक, परसेंटेज, और 2 वर्ष का हमें निकालना है, तो आगे भी हम 2 वर्ष का 3 वर्ष का भी निकालेंगे। ठीक, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, तो क्या करना है, 2 वर्ष यहाँ पे देखना है कि कितना वर्ष है, 2 वर्ष का निकालना है और 8% है, यानी 12 पहले हम तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितना परसेंटेज हो रहा है। 8% 12,500 का परसेंटेज निकाल लेंगे, 12,500 का कितना है तो 8% है। ठीक, परसेंट हटेगा, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब 125 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 40 का 0 हासिल 4, 8 × 2 = 16, 4 × 20 का 0 हासिल 2, 8 × 8 = 8, 8 × 2 = 10, यानी 1000 रुपया हुआ। ठीक, 12,500 रुपये का 8% से 1000 रुपया हुआ, तो हमारा 1000 रुपया ये हो गया, 1000 रुपया हुआ ये 8% से। तब 2 साल का, पहले तो हम प्रतिशत पर ध्यान देंगे, उसके बाद 2 साल बोल रहा है यहाँ पे, ईयर देखेंगे कितने साल का बोल रहा है, जितने साल का बोलेगा उतना लाइन हमें खींच लेना है। देखिए 2 साल का बोल रहा है तो पहले साल में पहला लाइन, ठीक, 2 साल का बोल रहा है तो पहले साल में पहला लाइन खींचना है और दूसरे साल में क्या करना है तो दूसरा लाइन खींच लेना है। बस यही एक सिंपल सा ट्रिक है, इसी पे आपको कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 2 साल पे बोला है तो 2 साल पे 2 लाइन, पहले साल में पहला लाइन और दूसरे साल में दूसरा लाइन। और फिर जो 1000 हमारा जो 8% निकल के आया है 12,500 का 1000, वो इसमें लिख लेना है, इस वाले लाइन में नीचे की तरफ लिखते चले जाना है, तो दूसरा लाइन में फिर 1000। देखिए पहले साल में तो बिल्कुल सेम होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो दूसरे साल में नहीं लगेगा, तो दूसरे साल में यही 1000 रुपये नहीं लगेगा, कितना, जितना प्रतिशत बोल रहा है 8% से, तो इसी 1000 रुपये ना 8% इस 1000 का 8% हम निकाल देंगे, तो बगल में रफ कर लेंगे, 1000 का 8%, प्रतिशत हटेगा तो 00 नीचे आ जाएगा, 10 × 8 = 80, यानी 80 रुपया हो गया दूसरे साल में, 1000 का 80 रुपया हो गया। ठीक, अब यही हमारा निकल गया, टोटल हो गया, अब क्या करना है सबको, तो हमें ऐड कर देना है। देखिए 1000 + 1000 + 80, ठीक, कितना हुआ टोटल, टोटल हो जाएगा 2080 रुपया, यानी यही हमारा CIU हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2080 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, 12,500 रुपये का 8% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ तो 2080 रुपया हो गया। ठीक, इस प्रकार आप लिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 साल का दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे तो 2 साल का था तो 2 लाइन खींच लिए, 3 साल का होगा तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे, चलिए 3 साल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो एकदम सिंपल सा, ये वहाँ पे 2 वर्ष का था और यहाँ पे 3 वर्ष का निकालना है। ठीक, यहाँ पे 3 वर्ष का निकालना है और यहाँ पे 4000 रुपये का 10% निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम 4000 का 10% निकालेंगे, कितना होता है, तो 4000 रुपये का 10% निकालेंगे, क्या करेंगे तो 10 से गुना करेंगे और प्रतिशत हटाएंगे, तो नीचे 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत 100 होता है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो 400 में 100 गुना करेंगे तो कितना हुआ 400, यानी 4000 का जो 10% कितना हुआ तो 400 रुपया हुआ। यही अब ये 400 रुपया जो हुआ, अब हमें क्या करना है, तो 3 साल बोल रहा है, तो 3 साल यानी 3 साल बोल रहा है, तो 2 साल में 2 लाइन खींचे, तो 3 साल में क्या करना है, तो हमें पहले साल में पहला लाइन, दूसरे साल में 2 लाइन, ठीक, दूसरे साल में 2 लाइन खींचना है और तीसरे साल में क्या करना है, तो तीसरे साल में 3 लाइन हमें खींच लेना है। यही इसी का इसका नियम यही है, पहले साल में 1 लाइन, दूसरे साल में 2 लाइन, दूसरे साल में 2 लाइन, तीसरे साल में 3 लाइन, इस प्रकार आप बना सकते हैं कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल 3 साल 4 साल का। ठीक, तो जो 400 रुपया जो हमारा निकल के आया, जो जितना प्रतिशत 10% बोला था, यही ना, 4000 का 10% बोला था, 400 निकल के आया है, तो इसी लाइन में हमें 400 लिखते चले जाना है, 400 जो निकल गया है 400 इस लाइन में लिखते चले जाना है। अब हमें फिर दूसरे लाइन में, यानी हम बोले थे कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज एक होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल में नहीं लगता है, दूसरे साल से लगना स्टार्ट हो जाता है। दूसरे साल में जब हम आ रहे हैं तो 400 का तो लगेगा कि नहीं, 400 पे कितना लगेगा, तो कितना बोल रहा है यहाँ पे, 10% बोले हुआ है, जितना प्रतिशत दिया हुआ रहेगा उसका निकाल देंगे दूसरे साल में, यानी 400 का 10% निकालेंगे, तो यहाँ पे रफ करेंगे
400 का 10% भी आपको हम बता रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना हुआ तो 40 रुपये हुआ। अब इस लाइन में क्या करना है, जो ये लाइन बचा हुआ है इस लाइन में हमें पहाड़ा की तरफ पढ़ते चले जाना है। 40 है तो 40 गुना 80, और 4 साल का होता तो 40 गुना 80 और 4 12 ऐसे करके मतलब गुना करते, यानी 2 गुना करते चले जाते ठीक। अब हमें क्या करना है, तो फिर अब तीसरे साल में आ रहे हैं, तो तीसरे साल में जो 40 रुपया है इस पर हमें लगेगा कितना, 10%। क्वेश्चन में 10% बोल रहा है, तो 40 का 10% हमें फिर निकाल देंगे। इसी प्रकार आपको बनाना है, 25 साल तक हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इतना हुआ तो 4 रुपया हुआ। अब हमारा ये पूरा घर कंप्लीट हो गया, यानी पूरा जो है बॉक्स पूरा कंप्लीट हो गया। तब क्या करना है, पूरे को हमें क्या करना है तो जोड़ देना है ठीक। पूरे को जोड़ देंगे वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 400 400 800 800 400 1200 हुआ, 1200 10 80 और 4 120 120 और 4 124 124 हुआ। इसको पूरा जोड़ देंगे कितना हुआ, तो 1200 1300 1400 1200। 4000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, तो 2300 1324 रुपये हुआ। तो इस प्रकार आप 2 साल का 3 साल का 4 साल का निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल वैसे, तो मात्र 10 से 15 सेकंड लगा था। आप देख ही चुके हैं, 2 साल का रहेगा तो पहले साल में 1 लाइन, दूसरे साल में 2 लाइन, 3 साल का रहेगा तो तीसरे साल में, पहले साल में 1 लाइन, दूसरे साल में 2 लाइन, तीसरे साल में 3 लाइन, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।